आज मैं ये साफ कह रहा हूं, यहां भी कह रहा हूं, चंदपुरा में और मध्य प्रदेश में जितने गुंडे और अपराधी हैं वो भी सुन ले, अगर गरीब कमजोर की तरफ हाथ उठा तो मकान खोद के मैदान बना दूंगा मैं, चैन से नहीं रहने दूंगा किसी भी चीज। ये गुंडागर्दी करने वाले, दादागिरी करने वाले, गरीबों का शोषण करने वाले, बहन और बेटी की तरफ बुरी नजर से देखने वाले, दुराचार करने वाले, ये समझ लें, एक जमाना था जब मैं मुख्यमंत्री बना था, चंबल के बीहड़ों में डाकुओं की चारों तरफ डाकुओं का आतंक था, तब हमने तय कर दिया था मध्य प्रदेश की धरती पर या तो डाकू रहेंगे या शिवराज रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। एक डाकू नहीं बचा, कोई डकैत को बचने नहीं दिए, और आज भी कोई खमरिया अकेले का न सोचे, शहडोल में आप देखो क्या कार्रवाई हुई है, सिवनी में बुलडोजर चलाए, श्योपुर में बुलडोजर चलाए, जावरा में हमने जो मैंने कहा है मकान खोद के मैदान बना दिया, गुंडागर्दी करने वालों मध्य प्रदेश की धरती पर तुम्हारा अस्तित्व मिटा दिया जाएगा, क्रश कर दिए जाएंगे, कुचल दिए जाएंगे। कलकत्ता के बाद भी मैं केवल यही के नहीं पूरे प्रदेश के लिए कह रहा हूं, एक एक घर की सर्चिंग करो, अवैध हथियार है तो निकालो, लकड़ी चोरी के मामले वो निकले पूरे, शिकारी बनते हैं शिकारी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लगा पूरे, घर घर सर्चिंग करके देखो, गरीबों के साथ अन्याय और गुंडागर्दी करके धन कमाने का ये खेल पूरी तरफ से खत्म, पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। मेरे बहनों और भाइयों, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, कमजोरों के साथ शिवराज सिंह चौहान खड़ा है, और ये जो मेरे भाई बहन बैठे इनको पूरी तरह से सुरक्षा देने का है जवाबदारी इस सरकार की है, आप चिंता मत करें, सरकार करेगी, कोई को अपने हाथ में कानून लेने की जरूरत नहीं, हम काहे के लिए, और ये सारी कार्रवाइयां हो जाए, जितने भी अपराध हैं उनके खिलाफ अभियान, इस धरती से मैं पांव पांव गुजरा हूं, पैदल यात्रा, साइकिल यात्रा, और वैसे भी मध्य प्रदेश हमारा शांति का टापू है, वहां यह शांति पूरे प्रदेश में नहीं चलने दी जाएगी।